जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बाजवा फ्रॉम डीएम प्रॉपर्टी सेंटर। तो इस वक्त जिस घर में मौजूद हूँ इसकी कीमत है 5,85,00,000 और ये मौजूद है सिटी हाउसिंग सियालकोट की प्राइम लोकेशन के ऊपर। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये आपको मेन डबल 75 फिट रोड जो है वो आपको दिखा दें और इसी के साथ इस घर का फ्रंट एलिवेशन अगर आपको दिखाएँ तो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर अमेजिंग फ्रंट एलिवेशन आपको मिलने वाला है इस घर का। अगर इस घर की बात की जाए तो उसका मुकम्मल फ्रंट के ऊपर ट्रेवल टीन जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया और स्पेशली इसमें ग्रेनाइट ब्लैक मार्बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जितने भी कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी पिलर नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया और साथ में आपको खूबसूरत गार्डन जो है वो दिया गया है। गार्डन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर जो है वो घर में मिलने वाले हैं। तो इस घर में कितने रूम आपको मिलेंगे, क्या क्या फीचर मिलेंगे और सबसे बड़ी आपको इस घर में एक बम्पर ऑफर जो है डीएम प्रॉपर्टी सेंटर की तरफ से मिलने वाली है। ईद की स्पेशल ऑफर होगी और ऐसी ऑफर आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। बात करेंगे इस घर के गेट की तो सबसे खूबसूरत इसका गेट जो मुझे नज़र आ रहा है जिसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ग्लास की बैक साइड के ऊपर आपको शीट है, ये ग्लास में इस्तेमाल की गई है। वैसे इस शीट को लोग फाइबर में यूज़ करते हैं सस्ती क्वालिटी में, लेकिन हमने इसके ऊपर भी ठीक ठाक खर्चा किया है। इस गेट की बात की जाए तो ढलाई में इस गेट को तैयार किया है। इस घर का कम अज़ कम 600-700 किलो वेट इस वक्त मौजूद है। इस गेट की अगर बात की जाए तो इस गेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या व्यू आपको नजर आएगा अभी दिखाते हैं। तो खूबसूरत गैराज जिसमें आप बड़ी गाड़ी बआसानी खड़ी कर सकते हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पर इस गैराज में सबसे खूबसूरत आयत करीमा जिसमें डबल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा वर्क नहीं है, ग्लास में सारा वर्क जो है वो किया गया और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। यहाँ पर भी आपको ट्रैवल टीन का इस्तेमाल जो है वो नजर आएगा। इस में आपको मिलने वाला है सुपर एशिया का सबसे महंगा और खूबसूरत फैन जो कि अब तक इस्तेमाल होने वाले सबसे मोस्ट पॉपुलर फैंस में नंबर 1 पर आता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक खूबसूरत गार्डन, यहाँ पर आप अपनी खूबसूरत सिटिंग के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत मज़े ले सकते हैं। और जितनी भी वॉल आपको नज़र आ रही है इसमें सीएनसी की जितनी भी ग्रिल नज़र आ रही है सीएनसी का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। इसमें 1.6 का ब्लैक कलर का अल्मोनियम इस्तेमाल किया गया जो कि डबल ग्लास और जॉर्जन बार है विद मर्करी जो कि आपको नज़र आएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आप बाहर खड़े हैं आपको अपना आप नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। और स्पेशली एक और चीज़ है कि जिसमें आपको धूप पड़ेगी जितनी भी उसकी हीट जो है वो भी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। राज हमने आपको दिखाया है इस गैराज की अगर बात की जाए तो उसमें भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया और स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको दिखानी। इस घर में एक खूबसूरत प्लांटर जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो थ्रू आउट इसके मुकम्मल दीवार के साथ आपको दिया गया है। अक्सर ये जगह खाली छोड़ दी जाती है, इसको बिल्कुल लावारा छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमने इसके ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो किया है ताकि आपका घर हर साइड से प्रॉपर खूबसूरत नज़र आ सके। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होगी इस घर का विजिट करें, मैं उतनी देर में कुछ टी ब्रेक करके बहुत जल्द आपसे मिलता हूं। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए, तो जल्दी आएँ इस घर का मुकम्मल हम आपको विजिट कराएं तफसील के साथ। तो यहाँ पर जैसे आप लॉबी में एंटर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर ऊपर की तरफ दिखाया जाए तो इसमें आपको कमोपेश 300+ लाइट्स जो है वो मिलने वाली हैं इस लॉबी में। हाफ मून जो है इसमें ग्लास लगाया गया ताकि जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो आपको पता होगा आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट मार्बल की जो टॉप है उसके इस्तेमाल किया गया, नीचे छोटे छोटे दो दराज दिए गए हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए, कीज़ के लिए, स्पेशली गाड़ी जब आपके पास हो तो चाबियां रखने के लिए जगह जो है वो दरवाजे के पास होनी लाजमी है। ठीक है, जैसे आप एंटर होंगे इसमें आपको ग्रेनाइट मार्बल के साथ खूबसूरत स्टेयर्स यानी कि खूबसूरत सीढ़ी आपको मिलने वाली है जिसमें ग्लास प्लस अल्मोनियम का इस्तेमाल भरपूर तरीके के साथ किया गया, जिसकी कटिंग बहुत ही शानदार तरीके के साथ की गई है। और सबसे बड़ी बात इस लॉबी में सबसे खूबसूरत आपको फनूस मिलने वाला है। लेकिन ज़रा इतनी जल्दी भी क्या है ऊपर जाने के लिए, हम आपको कुछ और भी दिखाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं इस घर का खूबसूरत डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम, आए मेरे साथ।
तो जैसे ही आप इस रूम में एंटर होंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगी हाई क्लास यूपी की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शीट्स, जो कि दो शीटें हमने यहाँ पर ऑलरेडी इस्तेमाल कर दी हैं। इसी के साथ आपको इसमें जो है ये आपका एरिया सीटिंग एरिया आ गया। सीटिंग एरिया के साथ ही आपको यहाँ पर एक खूबसूरत ग्लास वर्क नजर आएगा, जिसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया है 300 लाइट का, लाइट की बात की जाए तो SUV लाइट जो है वो इस्तेमाल की गई है, जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप जिस तरफ चाहे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलते हैं इस घर के हॉल की जानिब। जैसे आप डाइनिंग एरिया से हॉल में एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको वाइड व्यू जो है वो मिलने वाला है। ये आपका एक खूबसूरत सीटिंग पॉइंट बन जाएगा। इसका प्रॉपर इस दीवार को हमने डिस्प्ले किया, कोई भी ऐसी दीवार हमने सिंपल नहीं छोड़ी जिसमें आपको नजर आए कि कोई वर्क नहीं किया गया। जैसे ही आप एंटर होंगे इस हॉल में तो आपको सामने नजर आएंगे पहले नंबर पे मास्टर बेडरूम, उसी के साथ एक और बेडरूम, और बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर नजर आएगी खूबसूरत मीडिया वॉल। इसमें भी हाई क्लास शीट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ खूबसूरत मीडिया वॉल, जहाँ पर आपको अब तक की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो ब्रांड्स की LCD हमने निसब की है। अब चलते हैं इस घर के किचन की जानिब, जो कि मेरा ड्रीम था कि मैं आपको तो जैसे ही आप इस किचन में एंटर होंगे आपको नजर आएगा खूबसूरत दुबई की लग्जरी के ऊपर डिज़ाइन किया गया मास्टर किचन। किचन इसलिए क्योंकि उसमें जितने भी शीट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो टोटली टोटल वाटरप्रूफ हैं। मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो मार्बल यूज़ किया गया, और ये वो वाला मार्बल है जो कि हीट नहीं होता, जिसको हीट हो ही नहीं सकता। डिश वाशर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिश वाशर आपको इस्तेमाल होने को मिलेगा, जिसको हर तरफ से लिया है वो फ्लेक्सिबल है। इसमें जो है कैनन का जो है वो हुड इस्तेमाल किया गया, साथ में चूल्हा, और इसमें बेकिंग ओवन आपको साथ मिलने वाला है, माइक्रो ओवन भी साथ मिलने वाला है। 1, 2, 3, 4, 4 यानी कि चार चार कैटेगरी तो आपको मिल रही है। और आपको क्या चाहिए, ग्लास, स्पेशली यहाँ पर जो है वो ग्लास यूज़ किया गया टोटली नीचे। आपको ग्लास जहाँ पर लोग सस्ती टाइलें लगाते थे वहाँ पर हमने महंगा ग्लास दिया। अच्छा जी, ये भी एक सेपरेट दरवाज़ा दिया गया इस किचन में। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये दरवाज़ा कहाँ जाता है, अभी मुझे पता चला ये तो हमारा जो गार्डन है वहाँ पर ये दरवाज़ा दिया गया किचन का, स्पेशली कि जब गेस्ट आते हैं आपके घर में तो ये दरवाज़ा जो है इसलिए दिया जाता है कि बाहर का सामान जो है वो आप सेपरेट पीछे गली से लेके आएँ, और ताकि मेहमानों को पता ना चले आप क्या लेके आएँ। और इस दीवार को मुकम्मल डिज़ाइन करने के बाद अब चलते हैं हम इस घर के मास्टर बेडरूम की जानिब। तो जैसे ही आप हॉल में एंटर होंगे, हॉल में एंटर होते ही आपको लेके चलते हैं पहले इस बेडरूम में। जैसे ही आप इस घर में एंटर होंगे तो साथ में क्या, ये क्या, अच्छा इसमें जितने भी कब्जे इस्तेमाल किए गए वो टोटल गोल्डन क्रोम के कब्जे इस्तेमाल किए गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या क्या, अगर 5,85,00,000 ये मांग रहे हैं तो किस चीज़ का मांग रहे हैं, ज़रा हम आपको वो दिखा दें। इसके ऊपर मुकम्मल जो है हाई क्लास शीट का इस्तेमाल किया है, जिसमें ब्रास की जो है वो पट्टियाँ वो लगाई गई हैं। इसी के साथ ये प्रॉपर PVC पैनल जो है वो इस्तेमाल किए गए। दोनों साइड के ऊपर आपको ग्लास मिल रहा है, उसके साथ छोटे छोटे फनूस, इतनी महंगी लाइट्स मिल रही हैं, और लाइट के साथ आपको डबल हाइटेड जो है इसके कार्टन मिल रहे हैं। साथ ही क्या है ये, इनके बैक साइड के ऊपर भी 1.6 एल्यूमिनियम का जो इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग मिल रही है वो भी फुल हाइटेड, जिसमें मार्बल की टॉप दी गई है, यहाँ भी मार्बल की टॉप दी गई है, यानी कि हर चीज़ को मीडिया को वॉल को इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया कि जितनी बड़ी मर्जी बड़ी LCD आप लेके आएँ यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस घर की कबर नज़र नहीं आ रही, कबर कहाँ है इसकी, क्या बात है क्या बात है, यहाँ भी अल्मोनियम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर 5,85,00,000 मांग रहे हैं तो वे जायज़ मांग रहे हैं, बिल्कुल जायज़ मांग रहे हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे वो नहीं मांग रहे, डिमांड उनकी बहुत अच्छी है। ये भी मुकम्मल हाइटेड है, फुल हाइटेड आपको इसमें कबर जो है वो मिलने वाली है, और बिल्कुल इजीली फ्लेक्सिबल ये मूवेबल है दोनों के दोनों। यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहें वो कपड़े वगैरह रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इस घर में आपको रहने के लिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें इस्तेमाल होने के लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं इस घर के वाशरूम की जाने, तो ज़रा वाशरूम आपको दिखा दें, क्या बात है, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, टोटल गोल्डन टीक का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ठीक है, PVC शीट का इस्तेमाल किया गया, पोटा का कमोड इस्तेमाल किया गया, और ये क्या है, अच्छा यानी कि वॉशरूम के अंदर भी मीडिया वाल का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मीडिया वॉशरूम में होगा, डबल डबल फैन, ठीक है, ये भी सुपर एसी का फैन, वहां भी एक फैन लगा दिया, एग्जॉस्ट फैन लैदा, दूसरा फैन लैदा, यानी कि वॉशरूम में दो दो पक्खे आपको मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए, ये क्या है, अच्छा यहाँ पर भी जो है मैं कहता हूँ ड्रायर मिल रहे हैं आपको, हैंड वॉश मिल रही है, क्या क्या मिले, और यहाँ पर भी आपको मिल रही चीज़ें यार, हर चीज़ छोटे छोटे यानी कि वो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। स्लाइडेबल आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है, इसका शावर कैबिन प्रॉपर जिसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया है। और ये शावर कैबिन की अगर आप बात करें तो मैं कहता हूँ कि एक एक हमारे दौर में ना भाई क्या होता था कि एक ही जो है ना वो शावर होता था, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने
कितने ज्यादा शावर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और टोटल मैं कहता हूँ कि टाइल वर्क किया गया बहुत ही खूबसूरत जो है, इसमें जो पट्टियां इस्तेमाल की गई गोल्डन ब्रास की, बस एंड है, मैं कहता हूँ एंड हो गया। अगर जिस ऑफर की मैं बात कर रहा था पहले, मैं आपको वो ऑफर बता दूं, ऑफर की बात ये है, आई तरह बैठ के बताते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं कि अगर मैं ऑफर की बात करूं तो ऑफर दी गई थी जनाब कि अगर आप, ये बेडरूम आपको देख रहे हैं, अगर आप बड़ी इससे पहले इस घर को खरीदते हैं तो ये जो बेडरूम आपको नजर आ रहा है, इस घर में जितने भी बेडरूम मिलेंगे टोटली बेडरूम आपको इस तर्ज के ऊपर जो है वो डिजाइन करके दिए जाएंगे। ये मेरी तरफ से, अदनान बाजवा की तरफ से, डीएम प्रॉपर्टी और बाय MRK कंस्ट्रक्शन की तरफ से आप सबको ये एक ऑफर दी जा रही है। अगर आप बड़ी इससे पहले पहले इस घर को खरीदते हैं तो मुकम्मल पांचों के पांच बेडरूम आपको जो है वो बिल्कुल इस तर्ज के ऊपर डिजाइन करके दिए जाएंगे। जल्दी आए इस घर को विजिट करें। अब चलते हैं इस घर के गेस्ट रूम की जानिब। गेस्ट रूम की जानिब एंटर होते हैं तो आपको नजर आते हैं फुल हाइटेड, इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, जितने भी दरवाजे लगाएंगे वो टोटल 8 फीट हाइट के ऊपर नजर आ रहे हैं। और सिंपल डोर नहीं है, हर डोर के ऊपर मेन कार्नस का इस्तेमाल किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेन दरवाजे के ऊपर किया जाता है, लेकिन मेन डोर तो हमने बहुत आलीशान जो है वो डिजाइन किया है। इसकी मुकम्मल दीवारें आपको वॉलपेपर के साथ डिजाइन नजर आएंगी, कर्टिन आपको मिलेगा, इसमें भी 1.6 ml डबल ग्लास विंडोज हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, अल्मोनियम का खास तौर पर ख्याल रखा गया। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्या है, मतलब कि हर बेडरूम, छोटे से छोटे बेडरूम में आपको इतना बड़ा जो है वो ड्रेसिंग सेटअप मिलता है जिसमें मार्बल की टॉप मिल रही है, मुकम्मल हाइटेड ग्लास आपको और PVC पैनल का इस्तेमाल किया गया है। और इसी के साथ जो इसकी जितनी भी एंटीक्स लगाई गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं। अब चलते हैं इसमें और क्या है। अच्छा, ड्रेसिंग की बात की जाए, इसमें जो कबर्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है, कबर्ड एरिया जो है वो बिल्कुल वॉशरूम के साथ अटैच कर दिए गए, बैक साइड के ऊपर भी और जहाँ भी। अब जो एंटर होते हैं इस वर्ड के वॉशरूम की जाने, तो वॉशरूम की अगर बात की जाए तो भाई वॉशरूम बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसा हमने मास्टर बेडरूम में दिखाया था सेम एज इट बेडरूम, इसी वॉशरूम में आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं जो हमने वहाँ पर दिखाई थी। यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह भी जो है इसमें किसी किस्म की कमी जो है वो रह गई हो, जो मेरा नहीं ख्याल कि MRK कंस्ट्रक्शन ने नहीं की। यहाँ पर अगर बात की जाए वही सेम शावर आपको यहाँ मिलेगा, इसके साथ यहाँ पर जो है ये क्या, यानी कि हर चीज़ जो है एंटीक्स का जो है स्पेशली इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। मैं कहता हूँ पता नहीं इनको बंदा कहाँ से मिल गया जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको फराहम कर रहा है, हर चीज़ इन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल की है। अब चलते हैं इस घर के कुछ और फीचर की जानिब। तो जैसे ही आप इस घर के हॉल में एंटर होंगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत शंडेर आपको मिलने वाला है, शंडेर के साथ आपको मीडिया वॉल के साथ, क्या बात है क्या बात है, इसका क्या नाम है जी, इसको क्या कहते हैं जी, फायरप्लेस। यहाँ पर आपको खूबसूरत जो है वो फायरप्लेस मिल रही है क्योंकि मैं इसको मिस कर गया था, अभी मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दें। अब चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो दोबारा हम आ चुके हैं इस घर की लॉबी में। लॉबी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है पाउडर रूम, छोटा सा वाशरूम जो कि सीढ़ियों के नीचे अक्सर बनाया जाता है, तो यहाँ पर वो पाउडर रूम जो है बनाया गया है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें भी स्पॉटलाइट का इस्तेमाल किया गया है, वही सेम चीज़ें यहाँ भी इंस्टॉल की गई हैं। छोटे से छोटे वाशरूम में बेसिन इसका बहुत शानदार है। यहाँ पर कमोड इस्तेमाल, यानी कि ये यहाँ पर भी पोटा का जो है कंसील्ड कमोड इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी वही सीन है, यानी कि ड्रायर है यहाँ पर मौजूद है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो लोग इस चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ पर ये कैबन इन्होंने बनाया जी छोटा सा, यहाँ पर ख़ास तौर पे जूते रखने के लिए कैबन नहीं मिलते, तो यहाँ पर वो कैबन भी आपको बना के जो है वो दिया गया है। सीढ़ियों के नीचे एक मिनी स्टोर रूम आपको दिया गया, और स्पेशली अगर बात की जाए यहाँ पर भी वही सेम जो है ट्रेवल्टीन मार्बल जो है वो यूज़ किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अक्सर इस सीढ़ी को छोड़ देते हैं नीचे से लावारा छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं करते, तो यहाँ भी इन्होंने प्रॉपर टाइल और ब्रास की पट्टियाँ इस्तेमाल करके इसको खूबसूरत बना दिया है। मैं कहना 5 करोड़ 85 लाख होना पूरा कर छिड़े। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी वाइब है, यानी कि स्टेप बिल्कुल कंफर्टेबल है, डबल हाइटेड जो है वो ग्लास का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी जो है वो प्रॉपर टाइल का इस्तेमाल किया गया, हाई ग्लास शीट्स का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर भी ट्रेवल्टीन जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया। यानी ट्रेवल्टीन हर जगह इसलिए लगाया गया क्योंकि सारी ज़िंदगी तुहानू रंग कराने की टेंशन नहीं पैन लगी, यानी कि पेंट वाली टेंशन ही खत्म। और ये फुल इन हाइट ही यहाँ पर सबसे खूबसूरत जो शंडली लगाया गया, यानी जिसको आप फनूस कहते हैं, ये फनूस यहाँ पर इंस्टॉल किया गया जिसमें कम वेश बेशुमार लाइट्स जो उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी 1.6 का जो है अल्मोनियम उसको इस्तेमाल किया जो कि फुली हाइटेड यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है। और इस फनूस की ये बात है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका कोई भी कलर जो है वो सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉबी में एंटर होते हैं यहाँ पर आपको खूबसूरत फनूस तो मिलने ही वाला है,
साथ में टॉप के ऊपर आपको जो मिलने वाला है वो सेटअप कुछ इस तरह की, यहाँ पर आप बारिश का खूब इंजॉय जो है वो कर सकते हैं और पीस प्योर है यानी कि कवर्ड है हर लिहाज से। यहाँ पर अगर बात की जाए इस घर के मास्टर बेडरूम की जानिब तो ये तीसरा बेडरूम आपको विदर कर रहा है जिसमें हाई ग्लास शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वही सेम जो है वो ब्रास की पट्टियाँ इस्तेमाल की गई हैं, साथ में पीवीसी पैनल का यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको खूबसूरत जो है वो मीडिया वॉल मिलने वाला है, वॉलपेपर मिलने वाला है, पीवीसी पैनल मिलने वाला है, फुली हाइटेड जो है इसका ड्रेसिंग सेटअप मिलने वाला है और इसके ऊपर मार्बल की टॉप जो है वो इस्तेमाल की गई है, वही सेम कार्टन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब चलते हैं इस घर के वाशरूम की जानिब, तो इस वाशरूम की अगर बात की जाए इसमें भी वही सेम गोल्डन एंटीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सेम वही सेटअप आपको मिलने वाला है जो कि ड्रायर मौजूद है, साथ में वो टिश्यू के लिए सेटअप मौजूद है, छोटी छोटी इन सीक्स हैं, ये बॉक्स हैं और ये भी एंटीक का इस्तेमाल आपको यहाँ पर मिल, फुल्ली दीवार के ऊपर आपको जो है वो ग्लास मिलने वाला है। यहाँ पर आपको शावर कैबिन जो है वो सेपरेट दिया गया, सेम ओटा का कमोड, इम्पोर्टेंट एसेसरी जितनी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है तमाम की तमाम तर चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट मंगवाई गई हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक कबड़ मिल जाएगी, कबड़ आप खोल के चेक कर सकते हैं, तमाम सामान आप इसमें रख सकते हैं, हर चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं इस घर के फुली उस टेरेस की जानिब जिसका व्यू बहुत अच्छा आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है का। तो ये रहा यहाँ का खूबसूरत टेरेस, शाम का मंजर हो और यहाँ पर टेरेस के ऊपर बैठ के आप चाय का एंजॉय करें और यहाँ पर व्यू का खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा का मज़ा जो है वो लुत्फ से अंदोज़ हो, तो मेरा ख्याल है कि बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर ये तुर्किश का इम्पोर्टर जो है वो हमने फनूस यहाँ पर सेटअप उगाया जो कि हम बाहर से इम्पोर्ट कराए, इसके ऊपर जितने भी लैंप आपको मिलने वाली हैं ये टोटल लैंप जो है इम्पोर्टर लैंप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे पता है पुराने वक्तों में वो दीवे चलते होते थे, सेम वही लुक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलते हैं इस घर के हम चौथे बेडरूम की जाने, आ जाए फटाफट आ जाए फटाफट। तो जैसे ही हॉल में आप एंटर होंगे यहाँ पर आपको खूबसूरत जो है वो शैंडलियर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी मीडिया वॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ ही इसमें जो है वो फायरप्लेस नजर दिया गया, प्रॉपर फायरप्लेस जो है वो यहाँ पर दिया गया, मार्बल की टॉप जो है वो इस्तेमाल की गई इस हॉल के लिए। यहाँ पर आपको इस 10 मरला घर में ऊपर तीन मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं, ये डिज़ाइन किया है MRK कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सिटी हॉस्टल में मौजूद है। इस तरह का अगर आपको घर खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर रब्ता करें, इस घर की बुकिंग कराएं, इस घर को विज़िट करें और इस तरह की तमाम तर मालूम आप उस नंबर पर हासिल करें। तो चलिए चलते हैं इस घर की किचन की जानिब, ये है फर्स्ट फ्लोर का किचन, खूबसूरत किचन, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं जो कि आपको नीचे मास्टर किचन में मिलने वाली थी, सेम वही चूल्हा यहाँ मिलेगा, सेम एज इट इज़ हुड, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक हुड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, माइक्रो ओवन मिलने वाला है और इसके अलावा जो है डिश वॉशर मिलने वाला है, ये इसके वेंटिलेशन आप चेक कर सकते हैं वो भी हवादार है और इसके अलावा इसमें जितनी भी कबड़ इंस्टॉल गई हैं, क्योंकि अक्सर एक छोटा किचन ऊपर ज़रूरी होता है क्योंकि जो बड़ी कुकिंग है वो तो नीचे बना सकते हैं लेकिन छोटी चीज़ों के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है। अब चलते हैं इस घर के चौथे बेडरूम की जानिब, सेम बेडरूम जिसमें आपको वही वॉलपेपर मुकम्मल दीवार के ऊपर जो है वो वुडन लकड़ी का जो है वो काम किया गया और यहाँ पर आपको सेम जो है वो ड्रेसिंग दी गई है, ये इसकी कबर्ड है, इस कबर्ड में जितना चाहें सामान रख सकते हैं, फुल्ली हाइटेड जो कबर्ड है वो आपको दी गई है, इसी के साथ अटैच वाशरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हर वाशरूम में सिस्टम टोटल डिजिटल जो है वो इसमें ग्लास लगाए गए हैं, इसके ऊपर फुली जो है वो फनूस लगाए, सुपर एशिया के फैन लगाए गए हैं, जो है वो एग्जॉस्ट फैन लेदर से लगाया गया। हर वाशरूम के अंदर जो है वो शावर कैबिन बिल्कुल सेपरेट है और स्लाइडेबल है, जिसमें है वो टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। टेम्पर्ड ग्लास के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं भी पता तो मैं बता दूँ, जब ग्लास टूटता है तो उसके छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो कि बिल्कुल नुकसान नहीं देता। अब चलते हैं इस घर के लास्ट बेडरूम की जानिब, MRK कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दे रहा है सिटी हाउसिंग का सबसे खूबसूरत घर जो कि मौजूद है सिटी हाउसिंग सियालकोट AA एक्सटेंशन में। अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने बेडरूम आपको पहले दिखाया हर बेडरूम आपको सेम ऐसी डिज़ाइन में मिले, तो जो ऑफर मैंने आपको पहले दी है आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ईद से पहले जो लोग इस घर को ख़रीदेंगे उनको पाँचों के पाँचों बेडरूम जो है वो सेम ऐसी उसी डिज़ाइन के ऊपर जो है वो तैयार करके दिए जाएंगे। इसका वाशरूम जरा मैं आपको विजिट करवा दूँ, तो ये रहा इसका वाशरूम, सेम ऐसी जैसा वाशरूम मैंने आपको नीचे दिखाया था वही सेम ऐसी वाशरूम आपको ऊपर मिलने वाला है। शावर कैबिन सेपरेट, ऊपर डबल डबल जो है वो पंखे लगाए गए हैं, यानी कि कह सकते हैं ना
नाले चोपड़ियों के नाले दो दो हर चीज़ तो आपको मिल रही है। दो फैन मिल रहे हैं, दो ये सेटअप मिल रहे हैं जिसमें आपको टिश्यू के लिए रहता है और हीटेड ग्लास यहाँ पर मिलने वाला है। टोटल एंटीक जो है वो गोल्डन में लगाई गई है, हर चीज़ टाइल वर्क बहुत अच्छा है, यानी कि हर चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जल्द अज जल्द आप विज़िट करें ताकि तमाम तर मालूमात आपको दी जा सके। और मेरा नहीं ख्याल इससे पहले ईद से पहले हमारा ये मुकम्मल ख्याल है, इससे पहले पहले ये घर जो है वो मुकम्मल सोल्ड आउट होने वाला है। तो फाइनली उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। मेरा ख्याल है इस घर के तमाम फ्यूचर में आपको मुतारफ़ करवा चुका हूँ, तो नहीं करवाए तो अभी और बता दूँ कि इस घर के छत के ऊपर आपको सोलर पैनल की मुकम्मल वायरिंग जो है वो फराम कर दी गई है। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो भी आपको लगवा के दे देंगे, एज़ पर डिमांड कस्टमाइज के ऊपर हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं हूँ अदनान बाजू और आप देख रहे हैं DM प्रॉपर्टी सेंटर। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।